राजधानी देहरादून के आईएसबीटी स्थित महाराणा प्रताप पार्क में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 480 जयंती मनाई गई। इस कार्यक्रम में सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ ही बीजेपी महानगर अध्यक्ष विनय गोयल सहित तमाम महाराणा प्रताप मंच के पदाधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि महाराणा प्रताप विचार मंच के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। साथ ही महाराणा प्रताप मंच के द्वारा रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। वहीं महाराणा प्रताप मंच के द्वारा पुलवामा हमले में शहीद मेजर चित्रेश विश के पिता और मोहनलाल रतूड़ी की मां को भी इस कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। साथ ही सीएम ने कहा कि आज हम वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 480वीं जयंती मना रहे हैं। उनका योगदान देश के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा और इस दिन को शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाना गर्व की बात है। हमारे देश के एक ऐसे महाप्रतापी राजा हुए हैं कि जो सदैव नई पीढ़ियों को प्रेरणा देते रहेंगे। जहाँ उनका देश और धर्म के लिए उनका महान बलिदान है, वहीं आत्मसम्मान के साथ उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। ऐसे पराक्रमी हमारे महाराणा प्रताप, उनको हम नमन करते हैं, श्रद्धापूर्वक उनका आज हम स्मरण करते हैं। संवाद 365 के लिए देहरादून से कैमरामैन दिनेश कुमार के साथ कुलदीप की रिपोर्ट।